अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। आप सबको, जिला पानीपत के निवासियों को, हरियाणा के निवासियों को, पूरे भारतवर्ष के निवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल शुभकामनाएं उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और अभी अभी एक हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन आया है, जो NCR के अंदर इस बार पटाखों की सेल नहीं होगी, बहुत ही अच्छा निर्णय है। ये एक तरह से एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन को कम करने के लिए है, ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। हम इस निर्णय का बहुत स्वागत करते हैं और आप सब नगरवासियों को एक बार फिर बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूँ। ये दीपावली का पर्व मिलन का पर्व है, और इस मिलन के पर्व पे हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने प्रदेश के साथ और अपने देश के साथ मिलकर एक राम राज्य की जो कल्पना जो हमारे ऋषि मुनियों ने देखी है, हम उस कल्पना को पूर्ण रूप से, यथार्थ रूप से, उसको रचनात्मक रूप से उसको लागू करें, उसमें सहयोग करें। ये दीपों का त्यौहार, खुशी का त्यौहार, इस त्यौहार पर सभी प्रदेशवासियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पूर्व स्पीकर सतबीर कादियान ने CM इंडो को ढकोसला बताते हुए कहा कि आम जनता इंसाफ के लिए आज धक्के खा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कहकर सत्ता में आई थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेटे के घोटाले के सामने आने से लोगों को पता चल गया कि पार्टी की करनी और कथनी में कितना फर्क है। कादियान ने कहा कि आज अफसरशाही इतनी हैवी हो गई है कि चौटाला रोड पर उद्योगपतियों ने सड़क पर कब्जा किया हुआ है। कई बार शिकायत देने के बाद भी आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ईमानदारी की तो पोल खुलने लग रही, अमित शाह के बेटे की पोल खोली राहुल गांधी ने। मे बी ट्रुथ, मे नॉट बी ट्रुथ, आई कैन नॉट से, बट पोल खुली है, छोटी बात तो नहीं है ये। बताएं कि 80,000 करोड़ 50,000 रुपए से कभी बिजनेस हो सकता है? क्या देश के किसी दूसरे व्यक्ति ने ऐसा बिजनेस किया है? शायद जिंदल है, टाटा है, बिड़ला है, रिलायंस है, इतनी स्पीड से तो 2-3 साल में उन्होंने भी नहीं किया। क्या होगा तो वो भी अपराधी हो सकते हैं, या गैर कानूनी किया, वो बात क्लियर करे, आरोप लगते हैं। अब मैं खट्टर साहब के बारे में कुछ नहीं कह सकता, अफसरशाही के बारे में ईमानदार है मैं, अफसरशाही तो सारे सुनाई नहीं किसी की। अब मैं कहने लग रहा, एक्शन को 3 बार फोन कर लिया मैंने, भाई नजायज कब्जा उठवा दे, हंसके टाड़ देता है जी, नोटिस दे दिया। नोटिस दे दिया तो कोई सटे नहीं उनके पास, गवर्नमेंट लैंड है, और छुटाने क्यों नहीं छुटा रहे? सिंगल विंडो सिस्टम में भी दरखास्त जा रही है 2 महीने से, कहाँ है वह विंडो? विंडो फटी पड़ी है, तो कोई सुनता नहीं, कोई करता नहीं, कोई किसी का रक्षक नहीं है। जो मुख्यमंत्री सीएम विंडो खोल रखी है, बकवास, लोगों को बरगलाने का काम, बिल्कुल बकवास। मैं कहने लगा सिंगल विंडो में दरखास्त है सिवा गांव की तरफ से, क्यों नहीं? फिर क्या है विंडो? कुछ नहीं, कहने की बातें हैं, विंडो में दे दी। जिला परिषद की मीटिंग में दयानंद उरलाना और एक अन्य पार्षद को मीटिंग से बाहर निकालने के बारे में सतवीर कादियान ने कहा कि चेयरमैन ने किस हक से उन्हें मीटिंग से बाहर निकाला, ये समस्या परे है। कल किस तरीके से उनको ये पूछने पर जी, विकास के कार्यों पर कहां खर्च किया, कितना पैसा खर्च किया, ये सवाल पूछने पर निकाल दिया, और 2 मीटिंगों से निकाल दिया। पावर नहीं चेयरमैन को 2 मीटिंगों से निकाल दे? कौन से धारा के तहत निकाला? क्या उल्लंघन किया उसने? क्या ये पूछना अपराध है कि सरकार का पैसा कहाँ सदुपयोग हुआ है, दुरुपयोग हुआ? दुरुपयोग के बारे में, जानकारी के बारे में पूछ सकता है, चाहे मेंबर विधानसभा है, चाहे लोकसभा है, चाहे जिला परिषद है, चाहे ब्लॉक समिति, चाहे पंचायत मेंबर है। अगर इसी बात पर पूछने पर निकालेंगे तो फिर मोनोपोली हो जाएगी।